गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने उसकी डिस्कस करी थी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान दें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, पहले आप वर्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझें। न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब क्या है, न्यूक्लियो का मीन्स क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियो इज मेड अप फ्रॉम वर्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और फाइल का मतलब क्या होता है, टू लव। फाइल का मीन्स क्या होगा, टू लव। तो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस से लव करने वाले। न्यूक्लियस से लव कौन करते हैं, पॉजिटिव से लव कौन करते हैं, नेगेटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी ना करते हैं, समान थोड़ी ना करते हैं। अपोजिट में ही क्या होता है, अट्रैक्शन होता है हमेशा, सेम में रिपल्सन होता है। तो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप कौन होते हैं, हमेशा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा कैसा चार्ज हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है, यानी न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें क्या मिलता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज हो सकता है, आइदर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल को हटाइए, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दें, हेलो एल्केन में क्या मिलता है, सी एक्स बॉन्ड। अब कार्बन और हेलोजन में, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हेलोजन कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो हेलोजन एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल है ये। तो इसको हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, तो इसे ही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये x माइनस आपका निकल गया, इसे यहाँ लिख दीजिए सही। तो जो x माइनस रिलीज होता है, लिबरेट होता है, उसे बोले लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो अपन क्या बता सकते हैं कि इन हेलो एल्केन हेलोजन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हेलोजन कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इस न्यूक्लियोफाइल को हटा, यानी एक्स को हटा के कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, हटना थोड़ी ना चाहेगा ये, यू प्लस के अट्रैक्शन में हटना थोड़ी ना चाहेगा, लेकिन कब हटेगा, जब दूसरा कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, या फिर वीक हो, देन टेकन इन एक्सेस अमाउंट। यदि वीक होता है न्यूक्लियोफाइल तो एक्सेस अमाउंट में लिया जाए। ठीक है ना, तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, उसे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। हेलो एल्केन में एक्स जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स माइनस बाई अनदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक्स माइनस को हटा के किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर एक्स है, आर पे प्लस एक्स पे माइनस, आर का मीन्स कोई एल्किल ग्रुप होगा, कार्बन होगा, यानी कि एक्स माइनस हटाएं और एक्स माइनस को हटा के कौन जुड़ जाए, न्यूक्लियोफाइल। ये बन गया न्यू प्रोडक्ट, और ये आपका लिविंग ग्रुप रिलीज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स माइनस बाय अनदर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज SN, इसे अपन SN भी बोलते हैं। SN मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ ये आपको क्लियर है, एक्स माइनस को हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब कैसा चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल पे, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव को हटा के दूसरा नेगेटिव, अभी हटना थोड़ी ना चाहता है, ये प्लस के अट्रैक्शन में है, लेकिन कब हटेगा, जब अनदर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, या फिर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक है, देन टेकन इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है ना, वीक हो तो एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो भी अपना काम कर देगा ये, एक्स माइनस को हटा के खुद जुड़ जाएगा। अब ध्यान रखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स की होती है, कौन सी, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे अपन SN1 एंड SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें कितने टाइप हो जाएंगे? टू टाइप्स। तो पहली टाइप अपन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी, यहाँ से क्वेश्चन आता है कन्फर्म, ये ध्यान रखें। फर्स्ट अपन देखते हैं कौन सी, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 ध्यान देना, बहुत आसान है। SN1 नेम के अपोजिट काम है इसका। SN1 मतलब एक बोल रहा है तो स्टेप कितनी होगी इसमें? दो स्टेप होगी, यानी इट कंप्लीट्स इन टू स्टेप। SN1 मतलब स्टेप कितनी है? टू। ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, इट कंप्लीट्स इन टू स्टेप। इट्स कंप्लीट्स इन टू स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का क्या होता है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या है? टू टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसके टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वन ये ले जाए वन ये वाला ले जाए, तो उसे बोलते हैं होमोलाइटिक। और हेट्रोलाइटिक का मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को एक ही ले जाए, उसे बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CX बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। कैसे देखिए, ये CX बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन में मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन है? हेलोजन। तो एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाता है? हेलोजन ले जाता है, जिससे कार्बन पे जाता है प्लस चार्ज और एक्स माइनस निकल जाता है। कार्बन पे प्लस आते अपन क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बन पे प्लस आते अपन क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में होता है CX बॉन्ड का हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज, और इससे क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और ये स्टेप कैसी होती है? स्लो स्टेप होती है, बहुत धीरे होती है। क्यों होती है धीरे? ये हटना चाहेगा क्या? हटना नहीं चाहता ना ये, इसलिए ये स्टेप क्या होती है? बहुत धीरे होती है, स्लो स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन जैसे बना इस पे कौन अटैक कर देगा? अनदर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कोई। और ये क्या बन जाएगा? न्यू प्रोडक्ट। ये स्टेप होती है फास्ट। कैसे होती है फास्ट? अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो ये स्टेप कैसी होती है? फास्ट होती है। तो बहुत ही आसान है, क्या बता सकते हैं अपन? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? CX बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मीन्स क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CX बॉन्ड आर ओनली टेकन बाई X। ओनली कौन लेके चला जाता है? X लेके चला जाता है, जिससे कार्बन पे कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है, यानी कार्बोकेटायन बन जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, जिससे क्या बन जाता है? न्यू प्रोडक्ट। ये स्टेप क्या होती है? फास्ट होती है। अब कोई ये बोले कि SN1 नाम क्यों दिया, वन से क्या मतलब निकल रहा है? स्टेप तो दो है इसकी, ठीक है ना। तो अपन क्या बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब दो या दो से ज़्यादा स्टेप में होती है, इफ एनी रिएक्शन कंप्लीट्स इन टू और मोर देन टू स्टेप, देन रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप। रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है? स्लो स्टेप होती है। रिएक्शन की रेट का पता हमेशा किससे लगता है? स्लो स्टेप से। कोई भी रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा स्टेप में हो तो रिएक्शन की रेट का पता, रिएक्शन की वेलोसिटी का पता किससे लगता है? हमेशा स्लो स्टेप से लगता है। और रेट की हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये अपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है? एक ही तो है रिएक्टेंट, दो थोड़ी ना दिखाई दे रहे हमको, साफ दिखाई दे रहा है एक, और कौन है? एक RX ही तो है, RX ही तो है ये, ठीक है ना। तो इसकी रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज RX। दैट्स वाई द नेम यूनिमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन। तो ध्यान रखिए SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, टू स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी एक्स बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेटरोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेटरोलाइटिक क्लीवेज होगा। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खोलने कैसे आ जाएगा, हेलोजन, और जिससे कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसे अपन बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या ये स्टेप स्लो होती है या फास्ट होती है, स्लो होती है, ठीक है ना। अब कार्बोकेटाइन जो बना इस पर कौन अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया तो ये क्या जुड़ गया, NU का मतलब यहाँ किससे है, न्यूक्लियोफाइल से है, ठीक है ना। ये न्यू प्रोडक्ट बन गया। ये स्टेप कैसी होती है, फास्ट होती है। कोई भी रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा स्टेप में होती है तो रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो स्टेप होती है या फास्ट स्टेप होती है, स्लो स्टेप। और रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और सिंस इन स्लो स्टेप ओनली वन रिएक्टेंट दैट इज RX दैट इज एल्किल हैलाइड इज प्रेजेंट, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। रेट ऑफ दिस रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, ओनली एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जिसे यानी कि RX, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या नाम दिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसमें, देखिए एल्किल हैलाइड तो अपने पास बहुत सारे हैं, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, मिथाइल हैलाइड भी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बताते हैं, देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एल्किल हैलाइड अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे एक मिथाइल हैलाइड है, ऐसे ही इथाइल हैलाइड यानी कि 1 डिग्री हैलोजन इस कार्बन जुड़ा, ये एडजेसेंट 1 से जुड़ा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया ये। ऐसे ही CH3 होल ट्वाइस CHX कितने डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, 2 डिग्री हो गया। CH3 होल थ्राइस CHC कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो देखें अभी अपने को नहीं पता। सपोज यदि ये वाला मिथाइल हैलाइड रिएक्शन करता और फर्स्ट स्टेप में इसका हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता तो क्या बनता, मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता ना, ये तो बनता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन यहां CX बॉन्ड का हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता क्या बनता, इथाइल कार्बोकेटाइन यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज से कार्बोकेटायन बोलते हैं। यहां हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता क्या बनता, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता। इसका हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता क्या बनता, अब 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके ध्यान में नहीं है तो बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बन के पास होता है सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेक्सटेट का मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और एल्किल ग्रुप का इफेक्ट होता है हमेशा कौन सा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं, तीन देने वाले, तीन जुड़े हैं। यहां देने वाले कितने जुड़े हैं, 2 डिग्री में 2 जुड़े हैं, यहां 1 जुड़ा है, यहां कोई नहीं जुड़ा है। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहां देने वाले कितने जुड़े हैं, 3 एल्किल्स ग्रुप जुड़े हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कम और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री मिथाइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लीस्ट होता है मिथाइल हैलाइड। तो ऐसा किस वजह से होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एज फॉलोज। तो ये ध्यान रखें,
SN1 रिएक्शन दो स्टेप में हो रही थी, हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है ना, उस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब एल्किल हैलाइड बहुत सारे हैं, 1 डिग्री है, मिथाइल हैलाइड है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 to 1। SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखें 3 to 1, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है 3 डिग्री, और सबसे लीस्ट कौन होता है मिथाइल हैलाइड। ऐसा किस वजह से होता है, 3 डिग्री जो हैलाइड होता है वो क्या बनाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अब उसके बाद अपन कोई एग्जांपल इसका देखें, जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि ये अपने पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, सपोज इस पे अटैक कर रहा है कौन, OH माइनस, तो क्या होगा, Cl को हटा के OH जुड़ेगा, Cl का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, OH से C पे पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे पार्शियल नेगेटिव, तो Cl का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, OH से, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है ना, OH जुड़ गया, Cl माइनस रिलीज हो गया। अब यदि आपसे कोई बोले इसकी मैकेनिज्म बताइए, तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, 2 स्टेप में बताएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेटरोलाइटिक क्लीवेज CX बॉन्ड का, कैसे, CX बॉन्ड का क्या हुआ, हेटरोलाइटिक क्लीवेज, यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया, Cl ले गया, और ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस साथ आता है, मतलब कार्बोकेटायन। अब ये स्टेप कैसी होती है, स्लो या फास्ट, स्लो। अब इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस अटैक कर देगा, और ये आपका क्या फॉर्म हो गया, न्यू प्रोडक्ट, ये फास्ट होती है, क्या बन गया आपका, न्यू प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हेटरोलाइटिक क्लीवेज, स्लो होती है कि स्टेप फास्ट होती है, और दूसरी स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकेटायन बने उस पर कौन अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप कैसी होती है, फास्ट। SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, मिथाइल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब उसके बाद अपना आगे आता है क्या है यहाँ पे, आगे क्वेश्चन बनता है क्या, एलिलिक एंड बेंजिलिक हैलाइड, आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड। एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड के कंपेरिजन मोर रिएक्टिव होते हैं, किस वजह से, देखिए ये आपके पास सपोज एलिलिक हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव है, किस वजह से, फर्स्ट स्टेप में इसका हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता, मान लो जब ये रिएक्शन करता तो फर्स्ट स्टेप में इसका हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता, क्या बनता, ये प्लस आता है, इस पे क्या बन जाता, एलिलिक कार्बोकेटायन, क्या बन जाता है, एलिलिक कार्बोकेटायन बन जाता, कार्बन प्लस चार्ज आ गया ना, एलिलिक का मतलब हैलोजन, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड, आपको बताया पीछे, तो ये क्या बन गया, एलिलिक कार्बोकेटायन, और ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ मिलता है, ये समस्या आती है बच्चों के सामने, रेजोनेंस मिलता कहाँ है, तो जहां पे ध्यान रखें, डबल डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, ये कंजुगेशन आपको मिल जाए, वहां रेजोनेंस मिलेगा। तो आप देख रहे हैं डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है,
तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाते हैं और कैसे बन जाते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ प्लस आ गया। रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, यहाँ स्टेबल नहीं होते, यहाँ भी आते रहते हैं ऐसे, ये यहाँ आते रहते हैं फिर, तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या जाता है, स्टेबलाइज होता है। ऐसी बेंजीलिक हैलाइड है, ये बेंजीलिक हैलाइड, तो क्यों है ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता, क्या बनता है प्लस आ जाता है यहां, और क्या बन जाता है बेंजीलिक कार्बोकेटायन। क्या इसमें रेजोनेंस मिलेगा, मिलेगा साफ साफ, यहां तो बेंजीन नहीं आ रही तो मिलेगा। बेंजीलिक कार्बोकेटायन ये भी क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखें रेजोनेंस में दो चीज आप ध्यान रख सकते हैं जहां बेंजीन रिंग के कंपाउंड आते हैं। यदि बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा जिसके पास लोन पेयर है, तो रिंग पे हमेशा कौन सा चार्ज रोटेट होता है, नेगेटिव चार्ज, और कहां, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या डबल बॉन्ड हो, वो उन्हें विड्रॉइंग ग्रुप अपन बोलते हैं, तो रिंग पे चार्ज घूमता है कौन सा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और कहां, ऑर्थो और पैरा पे, और अल्टरनेट रोटेट में डबल बॉन्ड लगते हैं। देखिए कैसे बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीलिक कार्बोकेटायन है, विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। तो कैसे बनाए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहले खाली स्ट्रक्चर्स बना देते हैं अपन, साइकिल बना देते हैं पहले, क्लोज मूवमेंट करवा देंगे बॉन्ड का बाद में। तो देखिए यहां ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन ये है, जस्ट पास वाली ऑर्थो होती है उसके, जो सब्सटेंस जुड़ा उसके जस्ट पास वाली ऑर्थो, अगली मेटा अगली पैरा है, जस्ट अपोजिट पैरा होती है, इसे ध्यान रखें। तो ऑर्थो पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये छोड़ के पूरा डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ गया, और ये छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ गया, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसकी बन गई। अब आपने पॉजिटिव चार्ज का लगा दिया पैरा पे, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया पैरा पे, तो ये पूरा छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये छोड़ के यहाँ आ गया, और ये छोड़ के यहाँ आ गया, अल्टरनेट ऑर्डर में लगाते रहे। फिर पॉजिटिव चार्ज वापस कहाँ लगा दिया, ऑर्थो पे, इसके जस्ट ऑर्थो ये है, तो ये छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये छोड़ के यहाँ पे आ गया, ये छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। फाइनली उल्टा हो जाएगा और स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी, इस तरीके से कर दो बस, ये बताना है ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ध्यान रखें विड्रोविंग ग्रुप है, विड्रोविंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिसपे प्लस चार्ज है, या डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप जैसे नाइट्रो कार्बोक्सिलिक, वो सब विड्रोविंग होते हैं, तो इस केस में प्लस चार्ज घूमता है। तो यानी ये कैसे होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता है, फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये यहाँ आता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। तो अब लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं कि प्लस चार्ज आएगा कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे, और अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड लगाने हैं। तो SN1 रिएक्शन में एलिलिक और बेंजीलिक हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज एलिलिक क्या बनाता है, एलिलिक कार्बोकेटायन विच गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, और बेंजीलिक क्या बनाता है, बेंजीलिक कार्बोकेटायन विच गेट स्टेबलाइज विच ऑल्सो गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। एलिलिक और बेंजीलिक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बेंजीलिक, क्योंकि यहाँ देखिए दो ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ रही है, दो के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, यह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है ठीक है ना। तो एलिलिक और बेंजीलिक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बेंजीलिक है। तो देखिए एक बार ओवरऑल इसका ऑर्डर बताता हूँ मैं आपको, SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। क्यों हुआ ये, जैसे एक बेंजीन रिंग रेजोनेंस बना रहे वैसे दो बनाते, तीन भी बनाते, सब ज्यादा रेजोनेंस यहां बनती, तो सब ज्यादा रिएक्टिव हो गया 3 डिग्री बेंजीलिक। उसके बाद हैलाइड एक्स लगा दीजिए यहां, फिर 2 डिग्री बेंजीलिक, उसके बाद 1 डिग्री बेंजीलिक, फिर एलिलिक बता दें, और उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड,
फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और फाइनली मिथाइल हैलाइड, ये इसका ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, दो कंपाउंड आपको दे दिए, ये ए है ये बी है, इन दोनों में SN1 में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो आपको पता है कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3:1, सब ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये देखिए हेलोजन या इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन है, ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, ऐसे वैलेंसी पूरी कर दो, चाहिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये देखिए ये कार्बन है, 1, 2, 3 से जुड़ा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? ऐसे ही आपसे ये पूछा जाए, सपोज ये ध्यान से देखिएगा आप, CH2Cl और एक आ जाए CH2Y, इन दोनों में SN1 में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अब यहां दोनों ही 1 डिग्री आ गई, CH2 से जुड़ा हैलोजन 1 डिग्री, यहां भी CH2 से जुड़ा हैलोजन, दोनों ही 1 डिग्री है, तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? CH2Cl नहीं है, CH2I वाला ज्यादा रिएक्टिव, दोनों ही 1 डिग्री है, लेकिन CI बॉन्ड क्या होता है, जल्दी ब्रेक होता है, आपको बताया था पीछे मैंने, CI बॉन्ड क्या होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है, लार्जर एंड वीक होता है ना, तो ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है लेस है, ठीक है ना, तो ये मोर रिएक्टिव होता है, दोनों ही 1 डिग्री है, तो ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट बनता है, ज्यादा रिएक्टिव बिकॉज CI बॉन्ड क्या है, बहुत वीक है। तो अपन क्या बता सकते हैं इसमें, किस तरीके से आंसर बता सकते हैं, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड, ये इसमें आप ऐसे ही बता सकते हैं कि I- इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, I- क्या है, Cl- से कंपेरिजन बेटर लिविंग ग्रुप, यानी जल्दी हटता है, ठीक है ना। तो ये SN1 रिएक्शन आपने देखी 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, स्लो स्टेप होगी, सेकेंड स्टेप में उस कार्बोकेटाइन पे कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। कोई भी रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होती है, रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में 1 रिएक्टेंट था, दैट इज एल्किल हैलाइड, इसलिए इसे अपन ने बोला यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आगे ध्यान रखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, ठीक है ना, तो सब ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लास्ट में मिथाइल हैलाइड। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आपने बताया कि एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज एलिलिक हैलाइड फॉर्म एलिलिक कार्बोकेटाइन विच गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, सिमिलरली बेंजिलिक हैलाइड फॉर्म बेंजिलिक कार्बोकेटाइन विच गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। ऐसे ही फिर आपने ओवरऑल ऑर्डर बता दिया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री बेंजिलिक होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री बेंजिलिक, मैंने नहीं लिखा गया, अच्छा ये रहा लिख, यहाँ पे लिख दिया 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड, उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे लास्ट में मिथाइल हैलाइड। तो पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, हो सकता है अरेंज करवा ले आपको, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आपसे पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन के, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, ठीक है ना, या डिफरेंशिएशन बिटवीन SN1 एंड SN2, तो SN1 भी अपन पढ़ेंगे, पॉज करिए वर से। तो ध्यान रखें SN1 रिएक्शन के बाद SN2 रिएक्शन अपनी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, और दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो जैसे वो 2 स्टेप में हो रही है, 1 स्टेप में होती है, ठीक है ना, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट, डिफरेंस आप अपन यहाँ भी बिना पढ़े भी डिस्कस कर सकते हैं। SN1 कितने स्टेप में हो रही, 2 स्टेप में, ये कितनी स्टेप में होगी, 1 स्टेप, वहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, 3:1, यहाँ हो जाएगा उल्टा, उसका रिवर्स हो जाएगा, सब ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंस और SN1 और SN2 में प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। थैंक यू।